नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन इंडिया चैनल के एक और फ्रेश वीडियो में। अभी हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। आपको बताएंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की हर एक वो जानकारी जो आपको पता नहीं है, और जो आपको पता है लेकिन उसके बारे में और अधिक जानकारी आप लेना चाहते हैं, तो आपके लिए ही यह वीडियो बनाया गया है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक बिना कहीं पर भी स्किप किए पूरा का पूरा देखिएगा, क्योंकि हर एक जानकारी इस वीडियो में सम्मिलित की गई है जो कि आपको जाननी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप एक किसान हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, आपका हर एक लाइक हमारे इस वीडियो को आगे पहुंचाएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको किसान सम्मान निधि योजना की जानकारी हो या फिर किसानों से जुड़ी सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिलेगी। इसलिए चैनल के सब्सक्राइब करना होगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपके सामने वीडियो के ठीक नीचे एक लाल कलर का बटन आ रहा है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए। उसके साइड वाला घंटी का निशान अवश्य ही दबाइए। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे किसान सम्मान निधि योजना की जानकारी। वो किसान भी वीडियो देख रहे होंगे जिनको किसान सम्मान निधि योजना की बेसिक जानकारी चाहिए होगी, तो आपको बता दें किसान सम्मान निधि योजना नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा चलाई जाने वाली वो योजना है जिसमें किसानों को एक छोटी सी कह सकते हैं कि एक रकम मिलती है जो 3 किस्तों में मिलती है। 2,000 करके 6,000 रुपये मिलते हैं 3 किस्तों में। ये योजना कब की शुरुआत में आ चुकी है। इस योजना से कई किसानों को फायदा मिल गया है, लेकिन अभी तक कई किसान हैं जिनको इस योजना का फायदा नहीं मिला है। उन किसानों के लिए वीडियो बनाया गया है। अब आप कमेंट में बताते जाइएगा क्या आपको इस योजना की पहली किस्त, दूसरी किस्त या तीसरी किस्त मिल गई है या फिर नहीं, और जो भी आपके सामने प्रॉब्लम आ रही है वो भी कमेंट में लिखते जाइएगा ताकि हम आपके हर एक कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे और आपके समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। इसलिए कमेंट में आपको जो भी प्रॉब्लम है, किसान सम्मान निधि हो या फिर कोई दूसरी योजना से भी जुड़ी कोई भी समस्या है, तो भी लिख सकते हैं कमेंट में। कोशिश करेंगे आपकी हर एक समस्या का समाधान करने की। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आपको किसान सम्मान निधि योजना की सभी खबरें देंगे। सबसे पहली बड़ी खबर आ रही है जो कि सरकार की पारदर्शिता को उजागर कर रही है। सरकार कतई अवेयर नहीं है। आपको बता दें एक जगह की बात है, एक स्थान की बात है, वहां पर किसानों ने कुछ करेक्शन करने के लिए फॉर्म डाले थे। जब वो वापस कार्यालय गए तो जो उन्हें देखने को मिला उनकी आंखें देखना नहीं चाहती थी ऐसी सरकार के लिए। आपको बता दें कि वहाँ पर जो फॉरम थे वो आधे जले हुए मिले, या कह सकते हैं कि उन्हें कचरे के समान डस्टबिन में फेंक दिया गया था। सरकार तक ये खबर पहुँचनी चाहिए। क्या कर रही है सरकार, ये बात पहली आती है। उसके बाद बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश राज्य की, जहाँ पर एक किस्त आ चुकी है 1.62 करोड़, यानी कि 1,62,00,000 किसानों के खाते में एक किस्त आ चुकी है। ये एक किस्त की बात की जा रही है, अभी तक दूसरी किस्त का कोई भी आंकड़े हमारे सामने नहीं आए हैं। अब जिनके दूसरी किस्त नहीं आई है उनके दूसरी किस्त आनी बाकी है। तीसरी किस्त की अगर बात की जाए तो अभी तक 40,00,000 किसानों के खाते में आने की बात कही जा रही है। तो बाकी वाले जो 1,22,00,000 किसान कहाँ गए जिनके खातों में किसान सम्मान निधि योजना की तीसरी किस्त आने वाली है। सरकार गड़बड़ कर रही है या तो दिख रहा है पक्का। आपको हम जो आंकड़े बताने जा रहे हैं वो सारे इंटरनेट बेस्ड है, पहले ही बता दे रहे हैं आपको। इसी के साथ आपको यह भी जानकारी देते जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2,43,00,000 किसान हैं, जिनमें से 2,35,00,000 किसान इस योजना का फायदा उठा सकते हैं।
यानी कि इस योजना का फायदा उन्हें मिलेगा 2 करोड़ और 35 लाख किसानों को। लेकिन मिली कितने को है अभी तक? एक किस्त 1 करोड़ 62 लाख किसानों को और 2 किस्तें 1 करोड़ 40 लाख किसानों को मिली है। तो आपको बता दें 73 लाख किसान ऐसे हैं उत्तर प्रदेश में, यूपी की बात कर रहे हैं, जहां पर उन्हें 73 लाख किसानों को पहली किस्त भी नहीं मिली है। वहीं अगर बात की जाए अगर दूसरी किस्त की, तो आपको बता दें 95 लाख किसान ऐसे हैं जिन्हें दूसरी किस्त नहीं मिली है। उसके बाद तीसरी किस्त की बात करें, 40 लाख किसानों के खातों की बात की जा रही है कि 40 लाख किसानों के खातों में पहुंचा दी जा रही है। तो आपको बता दें इसमें तो किसान बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं। इसमें होते हैं किसान 1 करोड़ और 95 लाख, इतने किसानों को इतनी राशि मिलना बाकी है तीसरी किस्त की बात कर रहे हैं। जो लोग अभी तक पहली किस्त से भी वंचित है, सरकार उनके खातों में नहीं पहुंचा रही है। तो यह था डेटा उत्तर प्रदेश से लेकर। तो अब हम बात करते हैं राजस्थान राज्य की, देश का एक बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से और एक बड़ा राज्य कह सकते हैं अपने पॉपुलेशन की दृष्टि से भी। तो आपको बता दें इसमें टोटल किसान 52,42,902 है। अब आपको बता दें इसमें पहली किस्त कितने किसानों को मिली है। तो सरकार के द्वारा ही यह डेटा उपलब्ध कराया जा रहा है, इसके अलावा कोई सोर्स उपलब्ध नहीं है। हो सकता है ऐसा मिला हो सकता है इतने ना मिले हो। तो आपको बता दें ऐसा कहा जा रहा है कि 44,04,817 किसानों के खातों में अभी तक पहली किस्त पहुंच चुकी है। दूसरी किस्त की अगर बात की जाए तो 39,07,642 किसानों के खातों में दूसरी किस्त पहुंच गई है। वही तीसरी किस्त की अगर बात की जाए तो 24,53,059 किसानों के खातों में यह किस्त पहुंच चुकी है। तो थोड़े दिनों पहले यह खबर आई थी जिसमें दिल्ली को भी अब सम्मिलित किया जा चुका है। अरविंद केजरीवाल मान चुके हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना का किसानों को फायदा दिलवाने के लिए। तो आपको बता दे दिल्ली में टोटल 11,506 किसान है, काफी सही रहेगा सरकार के लिए उनके खातों में रुपए पहुंचाना, क्योंकि कम किसान है। तो आपको बता दे पहली किस्त 10,784 किसानों के खातों में पहुंच चुकी है, ये सरकार ने कहा है। दूसरी किस्त और तीसरी किस्त पहुंचाना बिल्कुल बाकी है। तो हमने बताया है टोटल 2 बड़े राज्य का और 1 केंद्र शासित प्रदेश का डाटा। तो ये आपको इसीलिए बताया गया है तो क्योंकि हमने कंपैरिजन किया है कांग्रेस और भाजपा के बीच में। जब कंपैरिजन किया गया तो कुछ बड़ा इसमें फर्क देखने को नहीं मिला। ऐसा पहले माना जा रहा था, पहले राजस्थान के किसानों को खूब नहीं मिले थे लेकिन अब मिल चुके हैं, लेकिन तीसरी किस्त अभी भी कई किसानों को मिल नहीं बाकी है। तो हमने इसमें बताया कुछ डेटा सरकार को लेकर। तो आपको बता देते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अगर आपको रुपए नहीं मिले हैं तो आपको क्या करना है। तो आपको बता दें सबसे पहले तो आप अपने फॉर्म, जो कि आपके पास उसकी फोटोकॉपी तो हो सकती ही है, आप अपने दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स सारे चेक करिए एक बार फिर से, देखिए क्या आप उसी श्रेणी में आ रहे हैं। अगर हाँ तो आपको अपने शहर के पटवारी यानी अपने जो पटवारी है उनसे मुलाकात करनी होगी, यानी कि लेखपाल से मुलाकात करनी होगी। लेखपाल से आपको जो भी है बताना है। उसके बाद अगर आपका वहाँ पर भी सॉल्यूशन समाधान नहीं होता है तो आपको जिला कृषि अधिकारी से मुलाकात करनी होगी। हो सकता है यहीं से आपका काम बन जाए, नहीं तो आपको एक ईमेल और फ़ोन नंबर बता देते हैं, उस पर आप ईमेल या फ़ोन कर सकते हैं ताकि आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जानकारी पूरी तरीके से मिल सके। तो आप अपनी स्क्रीन पर जैसा कि नंबर और ईमेल आईडी देख सकते हैं, साथ ही हम आपको बोल के बता देते हैं 011-233-8102
ये पहला फोन नंबर है, उसके बाद हम दूसरे बताते हैं 9111233802401। ये दो फोन नंबर दिए गए हैं। अब फोन लगेगा या नहीं हमने ट्राई नहीं किया, आप जरूर करिएगा। उसके बाद हम आपको एक ईमेल आईडी भी बता देते हैं, pmkisan@zov.in। एक बार फिर से बता देते हैं आपको, pmkisan@zov.in। इस पर आप मेल भी कर सकते हैं। अगर आपको अपने बेनिफिशियरी स्टेटस देखना है, यानी कि आपको किस्त मिली तो नहीं है, आपके खाते में नहीं आई हो, ऐसा हो सकता है सरकार ने मान लिया हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले पीएम किसान सम्मान निधि की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि www.pmkisan.gov.in है, इस पर आना है। उसके बाद आपको सबसे पहले आधार नंबर, अकाउंट नंबर या मोबाइल नंबर, तीन ऑप्शन मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको खुद से देखना नहीं आता है तो अपने आधार नंबर या फिर मोबाइल नंबर, हम अकाउंट नंबर नहीं मांग रहे हैं क्योंकि ये प्राइवेट होते हैं, आधार नंबर या मोबाइल नंबर, ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल नंबर देने की कोशिश करें, मोबाइल नंबर जो कि आपने उस फॉर्म में डाले थे जब आपने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए आवेदन किया था। तो मोबाइल नंबर से हम आपका चेक करके आपको स्टेटस बता देंगे। तो मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं। तो आपको बता दें pmkisan.gov.in पर आने के बाद आपको बेनिफिशियरी लिस्ट मिल जाएगी, उसके साइड में ही आपको एक फार्मर्स कॉर्नर का ऑप्शन भी मिल जाएगा। उसमें आने के बाद आपको बेनिफिशियरी स्टेटस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं अपना डाटा। तो यहाँ पर आपको डाटा भी देखने को मिल जाएगा। अगर आप एक नए फार्मर हैं तो यहाँ से आप आवेदन भी कर सकते हैं। इसीलिए इसके लिए भी यही करना होगा, फार्मर्स कॉर्नर पर आना होगा, इसके बाद एक न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपको कुछ एडिटिंग करनी है अपने फॉर्म में, तो एडिट करने के लिए भी फार्मर्स कॉर्नर पर ही ऑप्शन मिलेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से थी पूरी की पूरी किसान सम्मान निधि योजना को लेकर जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको लगा है कि वीडियो हमारे कुछ काम का तो था नहीं और ऐसे ही हमने समय बर्बाद कर दिया, तो वीडियो के डिसलाइक का भी ऑप्शन है आपके पास। दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा अगर आपको पसंद आया है। सब्सक्राइब करके चैनल को दबा दीजिएगा बेल आइकन भी, ताकि आपको आगे भी किसानों से जुड़ी बड़ी खबरें देखने को मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।